तो दोस्तों साल ख़त्म हो गया लेकिन एज मूवी फैंस मूवी लवर्स हमारे दिमाग में हर तरह की मूवीज़ में से कुछ मूवीज़ ज़रूर घर कर जाती हैं जहाँ एक तरफ हमारा माइंड हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से हमें कुछ ख़राब फिल्म को ओके ठीक है ये सीरीज़ की एक फिल्म ख़राब हुई समझ आगे बढ़ने को बोलता है वहीं दूसरी तरफ ऐसी फिल्म भी होती हैं जिनको हम इसलिए दिमाग से नहीं निकाल पाते कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि यार ये बस एक ओके ओके फिल्म ही होगी बट अनएक्सपेक्टेडली वो फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त निकलती है रिव्यूज़ और रेटिंग्स कुछ भी हो बट आज मैं अपने ओपिनियंस कुछ फिल्म्स के ऊपर शेयर करने वाला हूँ एक तरह से ये मेरी तरफ से भी पिछले साल की मूवीज़ का रिव्यू होगा और आप लोगों के लिए साथ साथ रिकमेंडेशन भी हो जाएगा तो आप चूज़ कर पाओगे जो आपने शायद मिस कर दिया हो तो सबसे पहले बताना चाहूँगा लव गैन के बारे में इस मूवी ने मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा डिलीवर किया मूवी एक सॉफ्ट रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसमें दो स्ट्रेंजर्स की कहानी दिखाई है जहाँ प्रियंका चोपड़ा जोनस और सैम ह्यूगैन दोनों ने ही बहुत ज़बरदस्त काम किया है बट वहीं दूसरी तरफ एक बड़े बजट की मूवी द मार्वल्स ने डिसअपॉइंट किया अब देखकर लगने लगा है कि मार्वल स्टोनी और पुराने सभी एवेंजर्स के साथ ही हमें पसंद था लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स और गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम थ्री जैसी मूवीज के साथ मार्वल ने एक बार फिर से जाहिर किया कि आग अभी भी बाकी है फ्यूचर में डेफिनेटली हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा साथ ही साथ लोकी सीजन टू और इफ सीजन टू जैसे टीवी शोज हमें मार्वल पर भरोसा करने में दोबारा हिम्मत देते हैं इन्हीं सब बड़ी बजटेड फिल्म के बीच आई फिल्म सॉल्ट बन एक बहुत ही जबरदस्त नॉकआउट निकली भाई आप इस फिल्म को डेफिनेटली द ग्रेट गट्स बाई का मॉडर्न वर्जन बोल सकते हैं मैं इस मूवी को श्योरली ऑस्कर में जाता हुआ देख सकता हूँ ये डेफ़िनेटली एक ज़बरदस्त और ब्रिलियंट फिल्म है सेक्सी है बट साथ ही साथ बहुत डिस्टर्बिंग भी है वहीं रिबेल मून पार्ट वन अ चाइल्ड ऑफ फायर जैसी मूवी जिससे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मूवी ने उतना इम्पेक्ट किया नहीं अगर आप फिल्म को नो no एक्सपेक्टेशन और ओपन माइंड के साथ देखने जाओगे तो डेफिनेटली आपको ये मूवी मजा देगी मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जैक स्नाइडर का डेफिनेटली बेस्ट वक्त तो नहीं है सी और विजुअल्स एब्सुलटली ऑन पॉइंट है बट फिर भी उतना ही देखने के लिए हम मूवी देखने नहीं जाते दूसरी तरफ बाई वोंग का प्योर आर्ट है भाई मतलब आप आंख बंद कर कर तक गिनो और ये मूवी वर्ल्ड ऑफ प्योर इमेजिनेशन है क्रिएटिविटी एट इट्स पीक ने बुक मूवी और म्यूजिक तीनों को ही ज़बरदस्त रिस्पेक्ट की है जो सिनेमा से हम जैसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं बट वहीं फिर से एक बार और एक ऐसी फिल्म आती है जिसको ज़बरदस्ती बनाया गया है एक्सपेंडेबल्स फोर कोई जरूरत नहीं थी इसकी हमें वही नाइन्टी के प्लॉट की जैसी बेस्ड मूवी ये वो है कि कुछ भी देखने से अच्छा है कि कुछ भी ना देखा जाए वहीं दूसरी तरफ इंडियाना जोन्स स्टाइल ऑफ द डेस्टिनी ने दिल तोड़ा जहाँ हैरिसन फोर्ड को एज इंडी फाइनली देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वो वैसा प्रेजेंट नहीं हो पाया जैसा मैंने सोचा था बट बात वहीं पर आती है कभी कभी दिल को समझाना पड़ता है बट मैं फास्ट एक्स जैसी मूवीज़ के लिए अपने दिल को नहीं समझाना चाहता क्योंकि अब बहुत हो गया आई मीन डेफिनेटली मुझे लगता है कि अब फास्ट एंड फ्यूरियस के फैंस में कमी आती ही जा रही है बट वहीं दूसरी तरफ हार्ट ऑफ स्टोन मूवी को मिक्स रिव्यूज़ मिले बट फिर भी मूवी ओके है एंटरटेन भी करती है मिडिल में थोड़ी सी स्लो होने की वजह से शायद लोगों ने इसमें इंटरेस्ट खो दिया मेरे ओपिनियन में डेफ़िनेटली ये एक गुड मूवी है चन मूवीज़ की बात चली रही है तो हम बात करते हैं एक्सट्रेक्शन टू की उस तरह से इस मूवी ने इम्पैक्ट नहीं किया फर्स्ट पार्ट ने किया था बट फिर भी एक्शन सिक्वेंसेज जबरदस्त हैं स्टोरी भी ठीक है मैं एक्शंस को नाइन आउट ऑफ टेन दूंगा क्योंकि ये यूनिक है बट वो ट्रेन वाला सीक्वेंस थोड़ा ज्यादा हो गया था बट एक्शन मूवीज़ में मास्टर की बात की जाए तो जॉन विक चैप्टर फोर सबसे बेस्ट है इन एवरी एक्सपेक्ट भाईयों ये वो मूवीज़ है जिनको देखने के लिए हम सोचते हैं कि ये नेक्स्ट पार्ट कब आने वाला है मेरी फेवरेट और मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक रहेगी दूसरी तरफ इक्वलाइजर थ्री मूवी अच्छी थी बट इंडिया में क्लैशेज की वजह से मूवी कब आई और कब चली गई पता नहीं चला मैं डिजेल वॉशिंगटन को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इन्होंने इस मूवी को एक अच्छे नोट पे एंड किया नहीं दूसरी तरफ कुछ चीज़ों का दुख भी है जहाँ मिशन इंपॉसिबल डेडिंग पार्ट वन बड़ी बड़ी मूवीज़ के बीच में पिस गई और फुल पोटेंशियल उसका बाहर नहीं आ पाया ओपन और बारबी जैसी मूवीज़ के बीच में रिलीज होने की वजह से ज़बरदस्त एक्शन मूवी ऑडियंस ने पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं की उसकी बात करते हैं जो वाकई में बुरा है जैसे एंटमेन एन दॉस क्वान्टमेनिया जिससे बहुत सारी उम्मीदें थी बट वो वैसा डिलीवर नहीं कर पाई जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था लेकिन पास्ट लाइफ को देखने के बाद मूड थोड़ा सा अच्छा हुआ जेंटल येट हार्ड ब्रेकिंग लव स्टोरी जहाँ बचपन से लेकर अडल्टुड तक की स्टोरी दिखाई गई है मूवी बहुत ही प्योर पोएटिक और ब्यूटीफुल मीनिंग देती है उसके बाद ग्रैंड ट्रिज्मो एक ऐसी फिल्म जो एक जबरदस्त सिनेमैटिक जर्नी को कैप्टिवेट करती है और सीधा दिल पर लगती है जहाँ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती हैं डेविड हार्बर ओलैंडो ब्लूम आर्जी मेडिक डैरन बार्नेट गैरी हेलीवेल हॉर्नर और जेमोन होनुसुकी एक सच्ची कहानी पर बेस्ड फिल्म जहाँ कहानी तो सिंपल है बट एक सुपर इफेक्टिव तरीके से ऑडियंस तक पहुँचाई गई है फिर इंडियन सिनेमा की तरफ देखा जाए तो ओ एम इंप्रेस करती है बट गदर टू वैसे ही है जैसे फास्ट एक्स जरूरत नहीं थी इस फिल्म की बट विदाउट एक्सपेक्टेशन जाओगे तो डेफिनेटली एंटरटेन करती है एनिमल और जवान को आप मास मूवी कंसीडर कर सकते हैं बट वहीं दूसरी तरफ डंकी को बहुत एक्शन फिल्म मास मूवी तो नहीं क्लासिक सिनेमा में कंसिडर किया जा सकता है जो दिखाता है कि एस आर के का चार्म क्या है वही सलाट डिसअपॉइंट करती है और कहीं से कहीं तक एंटरटेन नहीं कर पाती दूसरी तरफ ट्वेल्थ फेल जैसी मूवी दिखाती है कि जरूरी नहीं कि मूवीज बिग बजटेड हो बल्कि स्टोरी कॉन्सेप्ट एक्टिंग से आप ऑडियंस के दिलों पर राज कर सकते हो यही सिनेमा है जिसमें यह कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है कि ज़रूरी नहीं हर चमकती चीज सोना हो और हर पत्थर कोयला